विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने मनाई महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती। खंडित प्रतिमा को नहीं बदलने को लेकर प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। चारसितार रोड पर अवैध रूप से की जा रही है शराब की बिक्री। कल्याण कॉलोनी के निवासियों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। बार एसोसिएशन ब्यावर ने किया नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष पंवार का स्वागत। फूलमालाओं से लाते हुए करवाया मुंह मीठा। और विधायक कोष से भी मिल सकेगी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने जारी किए आदेश। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर में बुधवार को शेर ए हिंद महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित महाराणा प्रताप सर्किल पर एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप के छाया चित्र पर तिलक लगाकर तथा माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। जयंती कार्यक्रम के दौरान सर्किल पर विगत कई दिनों से खंडित प्रतिमा को बदलवाने की मांग को प्रशासन द्वारा नजरअंदाज करने पर आक्रोश जताते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बार बार प्रशासन को ज्ञापन देकर खंडित मूर्ति को बदलवाने की मांग करने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं करने पर बुधवार को गाडोलिया समाज के लोगों ने जयंती कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद परियोजना प्रमुख लक्ष्मी नारायण, परियोजना सह प्रमुख पृथ्वी सिंह रावत, बजरंग दल जिला संयोजक लक्की मकवाना, नगर संयोजक हनुमान बन्ना, नगर सहमंत्री जितेंद्र सोनी, नगर सुरक्षा प्रमुख कपिल वैष्णव, सह सुरक्षा प्रमुख शिवराज लोहार, प्रकाश साहू, योगेंद्र सिंह, महेंद्र पंवार, भारत लखन, बाबू सिंह गहलोत, लखन साखला, नगर अखाड़ा प्रमुख कमल बाकलीवाल, रवि सुखदेव सिंह बागना, प्रकाश माली, शिवसेना के सुधीर सिंह तोमर, हिंदू युवा वाहिनी के गुरुदेव यादव, नवल सिंह, जितेंद्र दगदी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदीप सिंह जोधा, करनी सेना से चंजय सिंह चांदारुण सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल थे। जैसा कि सर्व विदित है, 9 मई को शिरोमणि प्रातः स्मरणीय हिंदू सूरज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है, लेकिन ये ब्यावर शहर का दुर्भाग्य है। जिस महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनकी मूर्ति यहाँ पर खंडित है कई समय से, और लगातार समय समय पे गाड़िया लोहार समाज ने, हिंदू जागरण मंच ने और अनेक सामाजिक संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और आज की स्थिति ऐसी, आप स्वयं देख सकते हैं, महाराणा प्रताप की मूर्ति जो खंडित है, उसके रोष व्याप्त और एक तरीके से उनकी मूर्ति के सामने ही चित्र पर हमने माल्यार्पण किया और उसी को ही है मानकर हमने जन्म जयंती का समारोह और उग्र आंदोलन की भी योजना सब मिलकर, पूरा सर्व हिंदू समाज मिलकर योजना करेगा। और साथ ही सर्व हिंदू समाज से हम ये भी आग्रह करते हैं कि इस मूर्ति को वापस पुनर्प्रतिष्ठा के लिए ठीक प्रकार से करके लिए महाराणा प्रताप स्मारक सन्निधि बनकर सर्व हिंदू समाज की, और फिर वापस उसको लगाने का भी प्रयत्न हम अपने स्तर पर भी करेंगे और प्रशासन से भी करेंगे निवेदन कि वो भी इस प्रकार का वापस मूर्ति को पुनः प्रतिष्ठा करें, नहीं तो फिर सब प्रकार से हिंदू समाज में जिस प्रकार का रोष है ये, उसकी अभिव्यक्ति आज हुई है। चित्र पर हम माल्यार्पण कर जन्म जयंती का समारोह कर रहे हैं और 15 दिन के अंदर भीतर यदि नहीं करा तो हिंदू समाज बैठ कर इसका निर्णय करेगा और उग्र आंदोलन के बारे में योजना करेंगे।
ब्यावर बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को जवाजा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पंवार का स्वागत किया गया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह पंवार के नेतृत्व में डाक बंगले में आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान उपस्थित सभी ने अपने साथी अधिवक्ता पंवार के जवाजा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोनीत होने पर हर्ष जताया। उपस्थित सभी ने पंवार को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया तथा मुंह मीठा करवाकर उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। इस मौके पर विभिन्न वक्ताओं ने पवार के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला तथा उनके लिए मंगल कामनाएं की। उपस्थित सभी ने आशा जताई कि पवार के नेतृत्व में जवाजा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और अधिक मजबूत होगी। स्वागत कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट रामेश्वर मेवाड़ा, दिलीप गौरा, रामस्वरूप सेवलिया, मगन सोलंकी, महेंद्र मालावत, महेंद्र सिंह चौहान, लक्की मकवाना, महेंद्र तेली, जितेंद्र सिंह पंवार, ओम प्रकाश कटारिया, सुरेंद्र चेनिया, नितेश वर्मा, मीठालाल चीता, इलियास नकवी, सुरेश सोनी, अशोक सिंह, चंद्रशेखर, आशीष शर्मा तथा मुकेश लखन सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। शहर के चार्जदार रोड स्थित कल्याण कॉलोनी में एक दंपति द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री का कारोबार करने तथा शिकायत पर आसपास के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें हर प्रकार से परेशान करने को लेकर बुधवार को कल्याण कॉलोनी के निवासियों ने नरेंद्र मोदी विचार मंच कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर SDM को एक ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी की गैर मौजूदगी में क्षेत्रवासियों ने नायब तहसीलदार शैलेंद्र चौधरी को ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी के नाम दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि अशोक सिंह रावत तथा उनकी पत्नी इंदिरा देवी विगत लंबे समय से कल्याण कॉलोनी में अवैध रूप से शराब बिक्री का कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि रात्रि को शराब के ठेके बंद होने के बाद यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहां पर होने लगता है और देर रात तक शराब के नशे में धुत यह असामाजिक तत्व क्षेत्र का माहौल खराब करते रहते हैं, जिसके कारण आसपास में रहने वालों लोगों का जीना हराम हो रखा है। इस बाबत जब अशोक सिंह रावत से शिकायत की तो उल्टा वह क्षेत्रवासियों को ही धमकाने लगा। उसने अपनी लंबी पहुंच का हवाला देते हुए क्षेत्रवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस बाबत आबकारी पुलिस को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। ज्ञापन देने के दौरान क्षेत्रवासियों ने आबकारी विभाग के खिलाफ नारे लगाते हुए अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सीता देवी, राधा देवी, निर्मला, जमीला, रेखा, संतोष, घनश्याम दास, दीपक सेन, जय सिंह, नरेंद्र, भूपेंद्र, तुलसी, किरण चौधरी तथा नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रमोद शर्मा, सज्जन सिंह चौहान, हजरत अली तथा अनिल जांगीर आदि उपस्थित थे। कल शाम को 5 बजे करीब मैं बाहर चौराहे पे दुकान पे बैठा था, अशोक निकला फुल शराब पिया हुआ और मेरे साथ अनसन गाड़ी के रोज के मेरी फेटेट पकड़ ली। फिर मैंने उसको धक्का देकर भगाया। फिर शाम को आधे घंटे बाद में उसकी मिसेज वो कढ़ाई पत्थर ईंटें ये शराब के पौवे भरे हुए हमारे ऊपर फेंके मोहल्ले वालों के ऊपर। हम सारे मोहल्ले इकट्ठा हो गए, मोहल्ले वालों ने समझाया तो हमारे सबको माँ बहन की अनसंड गाड़े बोलता है और आए दिन मतलब मोहल्ले से बहन बेटी निकल नहीं सकती है। शाम को 7 बजे से 6 बजे से लेकर 7 बजे तक इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है कि आदमी का निकलना दुश्वार है। साहब अवैध शराब बेचता था, हाँ दुकान खोल रखी है अवैध शराब, चांगचीता रोड कल्याण कॉलोनी सुंदर जी टेंट आड़े के मकान के पास। पुलिस को पैसे दो और कहता है हर बार हमारी लड़ाई झगड़ा करता है, हर 6 महीने में ये छठी घटना है और कहता है कि मैं पुलिस में मंथली देता हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती है। दारू पाके नाली में दुको दे दी, दुको दे दी, जो वो गाड़ी बोली ना कि मैंने दुखो क्यों दी दो, तो गाली के लोग बोली तो इसकी लगैया, इसकी माँ, इसका सब भाई सब आके और मेरे घर के पास में मेरे छोरन मार देता। माँ सुधा वहाँ हाथा जोड़ी करा, ये अशोक रे बजरंग ये लोग दारू बेचता है, फर्जी बेचे कड़ा ठेका है, लुगई लुगई कोई जाती है ना तो दारू पाके लू यू नार दूसरा आदमी ने और हल जाता है बस ऐसे ऐसे करो बदमाश। शहर के आशापुरा माता मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रेरित ई मित्र कियोस्क का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पंडित हरिओम शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाते हुए विधिवत रूप से ई मित्र की शुरुआत की। विहिप की ओर से संचालित तथा प्रेरित उक्त ई मित्र पर राज्य व केंद्र सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजना सहित अन्य सेवाएं न्यूनतम दर पर आमजन को मिलेगी। उक्त ई मित्र पर आगामी दिनों में श्रद्धालुओं को पूजन सामग्री भी उपलब्ध होगी।
इमित्र के शुभारंभ पर लक्ष्मी नारायण, लादूराम सिरवी, सुनील कुमार राखेचा, सत्यनारायण टाक, सुरेश वैष्णव, नितेश गोयल, पार्षद राधेश्याम प्रजापत तथा हेम नारायण टाक सहित अन्य उपस्थित थे। टाटगढ़ रोड ब्रह्मानंद बगीचे स्थित गायत्री शक्तिपीठ में आस्था संवर्धन, विश्व कल्याण एवं संस्कारों के संवर्धन हेतु आयोजित 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। बुधवार को प्रारंभ में राजकुमार पाटोदिया, डॉक्टर एलसी हेड़ा तथा दिलीप गोयल ने देव पूजन किया। शक्तिपीठ के डॉक्टर गुरुदेव शर्मा के अनुसार गुरु पूजन वे देव आह्वान के लिए जगदीश कुमावत, रामनिवास नागोरा, मोहन पाटोदिया तथा सोहनलाल शर्मा को आमंत्रित किया गया। यज्ञ के दौरान विवाह दिवस संस्कार, दीक्षा संस्कार भी संपन्न करवाया गया। अंत में गायत्री बहन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत परिजनों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान श्याम चितलांगिया, सत्यनारायण शर्मा, सुखलाल साहू, धर्मीचंद शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय संघ सचिव राजेंद्र कुर्डिया ने बताया कि 11 से 18 मई तक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर में बालक बालिकाओं की अभिरुचि के अनुसार जीविकोपार्जन एवं रचनात्मक दृष्टिकोण तथा खाली समय का सदुपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिसमें मेहंदी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, ब्यूटी एंड केयर, आत्मरक्षा, हस्तलेखन सुधार, फोटोग्राफी तथा योग प्राणायाम आदि शामिल है। शिविर के दौरान स्थानीय संघ के विभिन्न स्काउटर राजेंद्र प्रजापति, मोहन सिंह चौहान, गुरुशरण गोयल, मनीष जनागल, रमेश धाकर, श्यामा जैन तथा नंद सिंह आदि अपनी सेवाएं देंगे। शिविर संचालक प्रदीप कुमार शर्मा के सानिध्य में शिविर प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक संचालित किया जाएगा। बुलेटिन में रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्य सरकार ने दिव्यांगों की सुविधाओं में इजाफा करने के लिए विधायक कोच से भी सुविधाएं देने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव ने बीते दिनों दिव्यांगों को विधायक कोच से तिपहिया मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। विभाग की ओर से यह आदेश जारी होने के बाद अब दिव्यांगों को इसका लाभ मिल सकेगा। दिव्यांगों को अब तक सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से ही ट्राईसाइकिल मिल पाती थी, जिसके लिए उन्हें लंबे समय तक इंतजार भी करना होता था, लेकिन विधायक कोच से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिए जाने के विभाग के आदेशों के बाद अब दिव्यांगों को विधायक के माध्यम से यह सुविधा मिल सकेगी। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव पुष्कर राज शर्मा ने आदेश जारी किए है। योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी द्वारा पूर्व में किसी राज्य, केंद्रीय योजना, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा राजकीय निधि से यह लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, यह राजकीय विभाग एवं पंजीकृत व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से शिविरों में वितरित किए जाएंगे। मालूम हो कि दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल सांसद कोच से दिए जाने का अधिकार था, जिससे सांसद का कार्य क्षेत्र लंबा होने के कारण सभी दिव्यांग इस लाभ को प्राप्त करने में वंचित रहते थे, लेकिन यह अधिकार अब विधायकों को भी दिए जाने से दिव्यांग क्षेत्र के विधायक से संपर्क साधकर इसका लाभ ले सकेंगे। देखिए साहब, राजस्थान सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने और राजस्थान के हमारे पंचायत राज मंत्री महोदय आदरणीय राजेंद्र जी राठौर साहब ने जो ये योजना लागू की है कि जितने भी जो विकलांग उनको चला नहीं जाता है, उनको तीन पहिए की जो मोटरसाइकिल है या तीन पहिए की जो साइकिल है, ऐसे जो वाहन उनको चलने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विधायक कोष से भी अब देने की जो योजना
वह उन्होंने प्रावधान किया है। और मैं मेरे क्षेत्र में ब्यावर में भी जितने भाई जो इस प्रकार के लाभ से वंचित हैं और जिनको ऐसी गाड़ी नहीं मिली है साइकिल, तो वो निश्चित तौर के ऊपर आए, उसको भी निश्चित तौर के ऊपर लाभ लेने के लिए हम प्रयास कर दिलाएंगे, ये मैं विश्वास रहता हूँ। रसद विभाग की ओर से उपखंड के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को रसद सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए पूर्व में प्राप्त हुए आवेदकों को राशन की दुकानें आवंटित करने के लिए बुधवार को साक्षात्कार आयोजित किए गए। अवसर से सभागार में आयोजित साक्षात्कार में जिला रसद अधिकारी विनय शर्मा तथा नगर परिषद सभापति श्रीमती बबीता चौहान तथा अन्य सदस्यों ने भाग लिया। जिला प्रशासन की ओर से साक्षात्कार की पूर्ण तैयारी कर ली गई है, लेकिन राशनों की दुकानों के लिए आवेदकों ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। आवंटन समिति की ओर से शहरी क्षेत्र में कुल 10 आवेदकों को बुलाया था, लेकिन साक्षात के दौरान मात्र 3 आवेदक ही साक्षात्कार के लिए पहुंचे। बुधवार को शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 10, 16, 12, 21, 22, 26, 24, 44, 32 तथा 38 वार्ड में राशन की दुकानें आवंटित करने के लिए पूर्व में आवेदन मांगे गए थे। प्राप्त आवेदकों की स्क्रूटनिंग के बाद सभी 10 लोगों को आवेदन के लिए बुलाया गया था, लेकिन बुधवार को 10, 16 व 21 के आवेदक ही साक्षात्कार के लिए पहुंचे। चयन कमेटी के समक्ष दस्तावेज जांच व पूछताछ के बाद तीनों आवेदकों को दुकानें आवंटित कर दी गई। साक्षात्कार के दौरान चयन समिति तुलसी रंगवाल, श्रीमती इंदु शर्मा, सत्यनारायण पारडिया तथा नरेंद्र चौहान आदि उपस्थित थे। जैन समाज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ब्यावर शाखा के तत्वावधान में लैंडिंग विंग वे युद्ध विंग द्वारा संयुक्त रूप से जैन बच्चों व युवाओं की खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 13 मई तक चलने वाली खेल प्रतियोगिता का आगाज बुधवार को प्रतिभागियों को टी शर्ट आदि वितरित की गई। इस दौरान श्रीमती वीना नाहर तथा भूपेश भंसाली आदि ने प्रतिभागियों को खेल नियमों की जानकारी दी। लेडीज व युद्ध विंग सचिव कमलेश बन तथा नीरज जैन ने बताया कि MD फार्म पर आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के गेम आयोजित किए जाएंगे। बुधवार को टीशर्ट्स वितरण कार्यक्रम में पीयूष रांका, मोना सुराणा, प्रमिला बोहरा, किरण जैन, राजुल रांका, स्वाति जैन, मोना नाबरिया, रेणु कोठारी, सिद्धांत चौधरी, पवन तातेर, मनीष मेहता, विपुल भंडारी, अर्पण भंडारी तथा शुभम खेवसरा आदि उपस्थित थे। शहर में 23 से 29 मई तक श्रीमद् भागवत कथा रस वर्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमती मंजू एवं श्याम मोहन कुदाल दादिश परिवार की ओर से स्वर्गीय वैद्य दाऊलाल चांद देवी शर्मा की स्मृति में आयोजित कथा में बरसाना की कथा वाचक संत आचार्य पंडित हेमंत कृष्ण महाराज श्रद्धालु को कथा का रसपान करवाएंगे। सातपुरिया स्थित द्वारकाधीश गार्डन में आयोजित कथा के दौरान कथा के प्रथम दिन 23 मई बुधवार को श्रीमद् भागवत महात्म्य, गुरुवार को सुखदेव प्राकट्य एवं परीक्षित जन्म, शुक्रवार को ध्रुव चरित्र एवं नरसिंह अवतार व रात्रि में खाटू श्याम भजन संध्या, शनिवार को गजेंद्र मोक्ष रामचरित एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव, रविवार को श्री कृष्ण बाल लीला माखन चोरी एवं गोवर्धन पूजा, सोमवार को महाराज प्रसंग कंसवध एवं रुक्मणी विवाह, मंगलवार को प्रद्युम्न जन्म, सुदामा चरित्र, श्री सुखदेव पूजन एवं रात्रि में सुंदरकांड पाठ तथा 30 मई बुधवार को हवन पूर्णाहुति एवं दोपहर 1 बजे से महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। कथा शुभारंभ के मौके पर 23 मई को सुबह 7:15 बजे से नरसिंह गली स्थित नरसिंह मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के दौरान कथा का समय दोपहर 2:30 से 6:30 बजे तक रहेगा। कुदाल परिवार के सदस्यों ने शहर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अधिक संख्या में कथा में पधार कर कथा श्रवण लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है। तन से निकले गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, दोनों हाथ जोड़िए सभी और भागवत जी से प्रार्थना करिए कि श्री यमुना जी का तट हो, श्री यमुना जी का तट हो, पावन सा बंसी बट हो,
मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। निकटवर्ती ग्राम जालिया प्रथम के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में उत्सव मंच ब्यावर की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण के दौरान आत्मरक्षा के विशेष कोर्स सिखाए जा रहे हैं। 1 मई से प्रारंभ हुई उक्त शिविर में बड़ी संख्या में विद्यालय के बच्चे भाग ले रहे हैं तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिविर में आत्मरक्षा के गुरुओं के साथ साथ बच्चों को डांस, कराटे, हैंड राइटिंग के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शिविर के दौरान डांस टीचर पूजा कांजानी बच्चों को राजस्थानी तथा हिंदी डांस का प्रशिक्षण दे रही है। वहीं पूजा कुमावत राइटिंग, ड्राइंग तथा आर्ट एंड क्राफ्ट के गुर सिखा रही है। इसी प्रकार ब्लैक बेल्ट धारी अतुल कुमार भाटी प्रशिक्षणार्थी बच्चों को जूडो तथा कराटे का सफल प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही विशेष संकट की स्थिति में किसी प्रकार अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं के बारे में भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। संगीत टीचर राजेंद्र बाडमेरा बच्चों को गीत संगीत, हारमोनियम सहित अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उत्सव मंच के अध्यक्ष सुख संपत मेहता के अनुसार शिविर में भाग ले रहे बच्चों को मंच की तरफ से प्रतिदिन अल्पाहार भी करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि शिविर में सचिव भाविका वासवानी, संरक्षक मानकरण हेड़ा, सदस्य राजेंद्र बाडमेरा, अमृता जैन, रिया ठाकुर, निखिल जैन तथा कमल किंगर सहित अन्य सदस्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश की एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें ब्यावर निवासी महेंद्र सिंह रावत को युवा शक्ति सम्मेलन का चित्तौड़गढ़ जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। रावत पूर्व महामंत्री भाजपा मंडल जवाजा एवं पूर्व भाजयुमो के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रह रहे हैं एवं वर्तमान में युद्ध चला बुद्ध अभियान के अजमेर जिला संयोजक भी है। भाजयुमो द्वारा पूरे प्रदेश में युवा शक्ति सम्मेलन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण कर भारत को पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित किया है। परमाणु परीक्षण की 20वीं वर्षगांठ पर युवा शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। रावत प्रभारी के नाते 10 से 15 मई तक चित्तौड़गढ़ जिले में ही रहेंगे और युवा शक्ति सम्मेलन आयोजित करवाएंगे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने मनाई महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती। खंडित प्रतिमा को नहीं बदलने को लेकर प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। चारसितार रोड पर अवैध रूप से की जा रही है शराब की बिक्री। कल्याण कॉलोनी के निवासियों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। बार एसोसिएशन ब्यावर ने किया नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष पंवार का स्वागत। फूलमालाओं से लाते हुए करवाया मुंह मीठा। और विधायक कोष से भी मिल सकेगी मोटराइज्ड ट्राई साइकिल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जारी किए आदेश।